प्रयागराज जिले के कलछना तहसील क्षेत्र में बसरिया ग्राम सभा के 65 वर्षीय बुद्ध सौंच के लिए रेलवे लाइन पार करके जा रहे थे कि अचानक ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। और उधर ही गए गांव के कुछ लोगों ने देखा तो मौके पर जा कर के पहचान की गई तो गांव के रघुराज पटेल उम्र 65 वर्ष गांव बसरिया कलछना के रहने वाले थे। रेलवे से रिटायर बसरिया गांव के ही रघुराज पटेल की पहचान हुई। गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी और गांव में जानकारी हुई तो घर के लोगों में मातम छा गया और वहीं पर मौजूद आरपीएफ पुलिस और कलछना थाने की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए शहर भेजा गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। ट्रेन के निकट जो रेलवे पे एक लाश मिली है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? ये इसके बारे में जानकारी हमें यही है कि हमारे ग्राम सभा के जो है पटेल, रघुराज पटेल हैं जी, वो ट्रेन के पटरी पर से जो है पटरी क्रॉस कर रहे थे, ध्यान न देने की वजह से जो है ट्रेन स्पीड में थी और उसके चपेट में आने से दुर्घटना हुई। उनकी कितना उम्र है? उम्र उनका लगभग 50 से 55 साल के बीच में है। आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय, मैं ग्राम प्रधान सिपाही लाल, 60-70 साल के बीच में। क्या सरकारी नौकरी भी करते थे? हाँ, सरकारी नौकरी भी करते। किस विभाग में थे? रेलवे में। रेलवे में कर्मचारी थे? जी जी। रिटायर हैं? जी, रेलवे के रिटायर कर्मचारी हैं। ग्राम सभा? ग्राम सभा बसरिया कलछना। कलछना बसरिया कलछना प्रयागराज।